फैमिलीज, व्हाट वी आर डूइंग, जो भी हमारे माइंड में है वो हम सब कॉन्शियसली अपने बच्चों में डाल देते हैं. बेटा तुझे बड़े होके इंजीनियर बनना है, बेटा तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, यू नीड टू गेट मैरी, शाम का खाना 9 बजे खा लेना है, सुबह का खाना करना है, ब्रेकफास्ट इतने बजे होना चाहिए, नींद से इतने बजे उठना चाहिए. आज भी हम लोग भले कितने ही बड़े शहर में रहें, बट व्हेन इट कम्स टू कंट्रोल अवर किड्स व्हाट वी डू, वी शो देम सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली. इसी के लिए आपने 3 इडियट्स पिक्चर देखी होगी. बच्चों के माइंड में अपने को क्या डालना है, बिकॉज पहले एक बात समझ लीजिए सर, मैं आपका पॉइंट पे थोड़ी देर बाद आऊंगा, जस्ट रिमाइंड मी इफ आई विल फॉरगेट, ओके, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट सब कॉन्शियस माइंड इट इज एंड व्हाट इज द कॉन्शियस माइंड इट इज एंड देन विल कम टू द टॉपिक के व्हाट वी नीड टू टेल टू अवर किड्स. ओके, सो दीज आर द स्टेट वी कैन रिमेन काम इवन व्हेन वील गेट लॉट्स ऑफ प्रेशर. अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस में रहेंगे, अगर हमारा माइंड पे हमारा कंट्रोल है, तो सिचुएशन कोई भी आने दो. जैसा मैंने देखा है, कल पे आई वॉज ट्रेवलिंग एट सम प्लेस एंड देवर हस्बैंड एंड वाइफ देवर स्टैंडिंग फॉर द बस एंड अभी औरतों की आदत होती है कि मेकअप करने में 2-4 मिनट लेट हो जाता है, होता है ना, ऑलवेज 2-3 मिनट्स, समटाइम 5 मिनट्स. वो 5-10 मिनट से लेट हो गया, उनकी बस छूट गई, वहां तक आए. अब देयर हस्बैंड इज ऑल्सो देयर एंड वाइफ वॉज ऑल्सो देयर एंड देवर डिस्कसिंग वेरी नाइसली, देवर ड्रिंकिंग वाटर, बच्चे भी थे, सब था. बट द मोमेंट वो बस मिस हो गई, द हस्बैंड का जो वाइब्रेशन था ब्रेन का वो बढ़ गया. ही स्टार्टेड शाउटिंग ऑन द वाइफ, ये सब तेरी वजह से. इफ यू वुड हैव बिकम रेडी ऑन टाइम, ये बस मिस नहीं होती थी. उस गड़बड़ में क्या हुआ, अनदर बस केम वेरी क्राउडेड. वो औरत के पास 2 बच्चे, 2 बैग, 5 बैग, उसका पूरा परिवार सब उसने उस गर्दी वाली बस में छोड़ दिया. आई वॉज ऑल्सो वेटिंग फॉर द सेम बस, बट आई वॉज वेरी काम, मैं प्रेजेंट टेंस में था. मैंने थोड़ी देर वेट किया, अनदर बस केम, आराम से बैठ के आई ट्रेवल फॉर 2-3 आवर्स एंड द पर्सन, मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि उसको जगह मिली होगी, नहीं मिली होगी, बट द पर्सन हु वॉज ट्रेवलिंग विद द एंटायर फैमिली विथ सब कॉन्शियस माइंड, ही वॉज नॉट इन प्रेजेंस, ही वॉज नॉट इन हिज सेंसेस. माइंड का वाइब्रेशन बढ़ गया है, वाइफ के ऊपर गुस्सा हो गया, बच्चे के ऊपर गुस्सा हो गया, ट्रेवलिंग में पूरा ट्रेवल खराब कर दिया. ही स्पॉइल्स हिज ओन जर्नी, ही ऑल्सो स्पॉइल्ड द जो एक जर्नी का, वो लोग उनके ड्रेसिंग से लग रहा था दे वर ट्रेवलिंग फॉर द पिकनिक, बट पूरा स्पॉइल कर दिया मजा. फिर क्या हुआ होगा, हस्बैंड इधर बैठा है, वाइफ पीछे बैठी है, बच्चा कहीं बीच में बैठा है, एंड देन पूरा ट्रैवलिंग जो है कॉन्शियसली, बच्चे किधर है, बैग किधर है, अमुक किधर है, पानी, देन इफ यू फील थर्स्टी यू सर्च फॉर द वाटर, यू सर्च फॉर डिफरेंट थिंग्स. सो वेयर यूर माइंड वर्क्स, देन आपको तो ये करना चाहिए कि वेन यू आर ट्रेवलिंग टूगेदर यू नीड टू बी देयर टूगेदर, सो दैट वेन एवर यू नीड समथिंग. तो ये जो होता है, ये होता है प्रेजेंट टेंस में जीना, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्शियस माइंड. ये कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटीज होती है. वी कैन एक्सेलरेट अवर लर्निंग इफ वी कैन व्हेन वी परफॉर्म अफर्मेशंस. पॉजिटिव एक एटीट्यूड अगर हम लोग दिखाते हैं, वी कैन गो पॉजिटिव. एंड क्रिएटिव विजुअलाइजेशन अगर हम लोग करते हैं, व्हाट इज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, जो चीज हम पाना चाहते हैं अगर वो मेरे पास है, अगर मैं ऐसा सोच लू तो भी मेरे को बहुत ज्यादा समाधान हो सकता है. क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का एक सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं कि सपोज आई वांट टू बाय अ कार, क्लोज योर आईज, सिट फॉर 2 मिनट्स एंड थिंक दैट यू आर सिटिंग इन द कार, यू आर ड्राइविंग ऑन द हाईवे, यू विल गेट सम काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड देन स्टार्ट वर्किंग. डू सम काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन, इसको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन. लर्न अफर्मेटिव, जितना आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव फूड दोगे, जैसा मैंने आपको कहा कि व्हेन वी ईट हेल्दी फूड हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, ऐसे ही हम हमारे ब्रेन को अगर हेल्दी थॉट्स प्रोवाइड करेंगे, हेल्दी थिंकिंग करेंगे, हेल्थ के बारे में सोचेंगे, ब्रेन की हेल्थ, नॉट ए बॉडी. बॉडी के लिए तो हम लोग सोचते हैं ना, वी यूज शैम्पू, वी यूज सोप, वी यूज सो मेनी थिंग्स, कॉस्मेटिक्स, ये वो, हम बॉडी के लिए सब कुछ कर रहे हैं. But when it comes to our mind power or mind or brain,
वी डोंट डू एनीथिंग. क्या हो रहा है, जमाने भर में निगेटिविटी पड़ी है. जैसा न्यूज़पेपर उठाया, दो कत बॉम्ब स्पोर्ट, अलग इस देश में वो हो रहा है, अमेरिका ने बॉम्ब स्पोर्ट किया, उसका घर तोड़ दिया, इसने मारा, सास ने जला दिया, बहू ने पति को मिलकर, कल परसों में पेपर पढ़ा था, सुबह सुबह पढ़ा, मैंने बंद कर दिया. इन द मॉर्निंग द फ्रंट पेज वॉज शोइंग किसी ने सैंडहर्स्ट रोड पे एक सूटकेस में औरत के टुकड़े कट कट के काट काट के उसको रख दिया. न्यूज़पेपर लाया था ये सोच के कि आई विल लर्न समथिंग, आई विल गेट समथिंग फ्रॉम इट. द मोमेंट आई रीड दिस न्यूज हुआ क्या, द एंटायर नेगेटिव एंटर्स इन माय माइंड. क्योंकि सुबह की पहली खबर क्या पड़ी, किसी ने किसी को मार दिया, टुकड़े कर दिए. उसके बाद दूसरी न्यूज हम पढ़ते हैं, लीबिया पे अमेरिका का अटैक, ब्रिटेन इज इम्पोजिंग समथिंग फॉर वॉट, फॉर पेट्रोल. तीसरी न्यूज, इंडियन पीपल आर इन मेस इन लीबिया. फोर्थ न्यूज, फोर इंडियंस किल्ड इन लीबिया. तो ऐसा लगता है फ्रंट पेज ही नहीं होगा, एक मौत का खबरनामा है, कौन कौन मरा. मेरे को तो लगता है कुछ दिन बाद आएगा, जैसा होता है ना आज तक, कल तक, परसों तक, एक एक पेज होता है, थर्ड पेज, इस पेज, कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि कितने लोग मरे हैं पूरे दिन में, उनका न्यूज छपेगा अलग से, द पीपल डाइड टूडे, डैश डैश डैश. वैसे तो हम लोग देते हैं, अभी बड़े लोग देते हैं, कुछ दिन बाद ग्लोबली. और आजकल का अगर न्यूज पेपर, तो ये जो सारी चीजें हैं, इट इज कमिंग एंड क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ निगेटिविटी. तो यहां पे हमको बहुत बोल्ड होके अफर्मेटिव साइंस या अफर्मेटिव सिग्नल्स या अफर्मेटिव इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड को देना पड़ेगा, सो दैट वी कैन कीप अवर सेल्फ इन अ नॉर्मल स्टेट, जो कि अल्फा स्टेट होता है. अल्फा में रहने क्या होता है, द मोमेंट यू लिसन अबाउट समबडीज डेथ, अबाउट समथिंग रॉन्ग हैपनिंग इन द वर्ल्ड, यू विल गो इन टू द अनदर स्टेट, नर्वस हो जाते हैं आप. जैसे आपने पढ़ा अटैक बॉम्बे में, लोकल पे बॉम्ब स्फोट हुआ, भले ही आप जिंदा है, सब है, आपकी फैमिली को कुछ नहीं हुआ, आपकी फैमिली यहां नहीं है, कश्मीर में भी होने दो, लीबिया में होने दो, कहीं भी होने दो, मैन काइंड को अगर कोई भी नुकसान हुआ, अभी जापान में हादसा हो गया, हम सब लोग यहां पे इंडिया में बैठे हैं. व्हाट वी फेल्ड दैट डे व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड इन जापान, वी ऑल फेल्ट सैड, नर्वस. फुल मून नाइट थी, इतना बड़ा 14 गुना बड़ा चांद बाहर आया, कितने लोग देखने के लिए मुंबई से बाहर आए, कोई भी नहीं, सब लोग अपने घर पे सो रहे थे. मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों को पूछा कि भाई कल आपने क्या किया, बोले आई वाज स्लीपिंग यार, हाँ यार, यस्टरडे देयर वाज फुल मून नाइट ना, बट आई डोंट नो व्हाट इज व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड, आई वाज स्लीपिंग. लोग शांत रहे, लोग कौन लोग, नहीं जापानी शांत, जापानी ऐसा है कि सर जापान में जो है, जापान में दे यूज 5S जापानीज टेक्नोलॉजी to get the success. They use different techniques, modern techniques to keep them calm. जैसे जापान में कोई आदमी अगर लेट आ गया ना, तो उसको इतना अगली निगाहों से देखते हैं कि पता नहीं ये कौन सा गुनाह करके आया है. और हमारे यहाँ लेट आना है ना, इज लाइक वी इवन डोंट मेक फील टू मेक अ सॉरी फेस. अपन सीधा बोल देते यार ट्रैफिक जाम था, हवलदार था, बस लेट थी, ट्रेन लेट थी, वी यूज सो मेनी एक्सक्यूजेस. अगर आपको देखना है तो ऑन फेसबुक इफ यू कैन गो ऑन माई तहसीन एट फेसबुक पे जाके आप चेक करेंगे, तो मैंने जापानीज लोगों की एक ट्रेन की वीडियो मेरे इस पे डाउनलोड करके रखी है. जापान में जैसे जब ट्रेन आती है स्टेशन पे, जैसे हमारे यहां पोजीशन है कि जापान में क्या होता है, जापान में अपनी तरह की लोकल नहीं है, एंड दे आर वेरी वेरी यू नो पंक्चुअल पीपल, वहां पे ऑल मेट्रो काइंड ऑफ ट्रेन आते हैं. तो वहां पे जैसे हमारे TC होते हैं टिकट चेक करने के लिए, वहां पे ट्रेन में लोगों को पुल करने के लिए लोग रखे हुए स्टेशन पे. अगर आप एवरी पुश, they always push, और उतारने के लिए भी हेल्प करते हैं, they can pull, they can push the people. हम देखिए वीडियोस, देखिए जापान की वीडियोस देखिए, बिकॉज वहां पे ऑफिस में टाइम पे पहुंचना जरूरी है. इफ यू आर मीटिंग इट सपोज 9:30 की है, तो यू नीड टू बी देयर बाय 9:15. ये हैबिट उन्होंने दी है. जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब स्फोट हुआ था, जब सो मेनी ऑफ जापानीज डाइड दैट टाइम, तो उसके बाद जापान ने डिसाइडेड कि ओके वी आर लिमिटेड. देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा सर, कोई भी आदमी अगर लंगड़ा है या उसकी एक, ये तो गॉड की तरफ से होता है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, किसी का हाथ नहीं है, किसी की आंख नहीं है, तो हम लोग अक्सर बोलते हैं इसका एक सेंस एक्स्ट्रा है. व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा सेंस, सिक्स सेंस बोलते हैं ना, व्हाट इज दैट सिक्स सेंस. अगर आप साइंटिफिकली जाएंगे तो सिक्स सेंस नाम की कोई चीज है ही नहीं, बट व्हाट इज सिक्स सेंस, सिक्स सेंस मीन्स
आप अपने आप को इतना डेवलप कर लेते हो, इतना डेवलप कर लेते हो समटाइम्स कि व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट दैट यू विल कम टू नो फर्स्ट. इफ आई विल टेक दिस एक्शन व्हाट वुड बी द रिएक्शन.